आज हम लोग करने वाले हैं लेंस के बहुत सारे बातों के बारे में चर्चा, क्योंकि लेंस में जो बनते हैं छह तरह के प्रतिबिंब लेंस में बनाए जा सकते हैं। कितने तरह के प्रतिबिंब? छह तरह के प्रतिबिंब। आज हम लोग छह का छह पढ़ने वाले हैं और ऐसे शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे जो आपको छह का छह याद हो जाएगा, अब बहुत आसानी के में हम बना सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला हम लोग कंडीशन रखेंगे, उम्मीद करता हूं आपको इससे पहले आप लेंस के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे, थोड़ा ना थोड़ा आप जरूर जानते होंगे लेंस के बारे में, ये मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं लेंस के बारे में अगर आप जानते होंगे तो ये भी जानते होंगे, यहां पर जो ये होता है उसे हम लोग F1 कहते हैं और ये वाला जो मेरा होता है 2F1 होता है। ये मैं जब ये मान के चलता हूं जो इतना आपको आता होगा, अगर इतना आपको नहीं आता है तो आप मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ वीडियो का पढ़ लीजिएगा, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं यहां पर थोड़ा थोड़ा हो सकता है जो डिस्टेंस बराबर ना हो, लेकिन आप क्या कीजिएगा डिस्टेंस बराबर लेने की कोशिश कीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए, ये क्या हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका 2F2। अब यहां पर कंडीशन क्या है, देखिए छह कंडीशन है। पहला कंडीशन है अगर वस्तु लेंस, पहला कंडीशन क्या हो जाता है अगर वस्तु लेंस लेंस अगर वस्तु लेंस और लेंस और लेंस और फोकस फोकस लेंस और फोकस लेंस और फोकस के बीच बीच में वस्तु वस्तु चलिए यहां पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, लिखा हुआ आ जाएगा, यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं, समझिए। अगर वस्तु लेंस और फोकस के बीच में होगा तब क्या होगा, अगर वस्तु लेंस और फोकस के बीच में तब क्या होगा। देखिए लेंस और फोकस के बीच में, तो वस्तु मैं यहां रख देता हूं लेंस और फोकस के बीच में, बिल्कुल सही है। मैं क्या जानता हूं प्रकाश जाएगी, प्रकाश जाएगी, प्रकाश गया लेंस में, गया क्या होगा अपवर्तन होगा। जब प्रकाश जाती है लेंस में टकराती है तो अपवर्तन होता है, और अपवर्तन होगा तो कहां से प्रकाश गुजरेगी, तो F2 से, मतलब फोकस 2 से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस 2 से गुजरेगी। यहां पर मैं जबरदस्ती गुजार देता हूं, गुजार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरा बराबर का नहीं है, लेकिन ये आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब यहां से एक बात समझना है, किसी भी वस्तु से अनंत प्रकाश निकलती है और आपको पता होना चाहिए जो प्रतिबिंब बनने के लिए हमें दो प्रकाश की जरूरत होती है, प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश की जरूरत होती है। तो हम जानते हैं जो किसी भी वस्तु से अनंत प्रकाश गुजरती है, तो एक प्रकाश तो ये भी तो हो सकता है यहां से गुजरे, ये भी तो हो सकता है यहां से गुजरे, आप नहीं कह सकते यहां से अपवर्तन नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये पढ़े होंगे कि ये प्रकाश केंद्र, और प्रकाश केंद्र से होकर परावर्तन नहीं, सॉरी अपवर्तन नहीं होता। अगर प्रकाश केंद्र, अगर कोई प्रकाश की किरण अगर प्रकाश केंद्र से होकर गुजरता है तो अपवर्तन की घटना नहीं होती। ओके, बात ये समझ में आया होगा। तो ये यहां से गुजर जाती है, और मैं आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर क्या आ रहा है, यहां पर देखिए डिस्टेंस दोनों में कम था, धीरे 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 जितना आगे जा रहा है डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या इधर प्रतिबिंब बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। हम लोग देखेंगे इसके सिर में, इसके सिर में आगे बढ़ाएंगे, क्या ये आगे कहीं ना कहीं मिल रहा है कि नहीं, इसको हम इस तरह से अगर बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं पर आके क्या हो रहा है, मिल जाता है, कहीं ना कहीं आके ये मिल जाता है। समझना ही बात, ये जबरदस्ती समझ में मिलाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आकर के ये मिल ही जाएगा, ये गारंटी देख रहे हैं, क्योंकि इस दोनों के बीच में आगे जाने पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, डिस्टेंस कम हो रहा है। तो यहां पर देखिए जब इस तरह का प्रतिदिन, मतलब जबरदस्ती हम मिला है, प्रतीत हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, प्रतिदिन आप लोग पढ़े होंगे, प्रतिदिन दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। अगर आप नहीं पढ़े तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अगला वीडियो प्रतिदिन किसे कहते हैं प्रतिदिन के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बता दूंगा। ओके, तो यहां पर आपको देखिएगा यहां क्या हुआ, जब दो प्रकाश एक दूसरे से कटर बिंदु पर मिलते थे, यहां पर क्या हुआ ना, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। क्या हुआ? ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अब प्रतिबिंब तो प्राकृतिक है, तो देखिए पहली बात प्रतिबिंब तो काल्पनिक है। अगर एक बात समझिए, लेंस किस पर बनता है तो काल्पनिक हो जाए। सौ बात की एक बात समझिए, जब प्रकाश की किरण कटती हुई मालूम पड़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक और काल्पनिक की परिभाषा मैं छोटा सा बता देता हूं, पहले प्रतिबिंब का परिभाषा सुन लीजिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती है प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती है प्रकाश की किरण दर्पण से, सॉरी लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर मिलती है प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहां क्या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। सबसे पहले ये क्या हो गया आपको, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया ये। उसके बाद क्या है, ये सीधा है, जैसे वस्तु है, वस्तु जिस तरह से खड़ा है उसी तरह है, तो सीधा लिख दीजिए सीधा है। और उसके बाद आपको क्या हो रहा है, सीधा के बाद ठीक है काल्पनिक है सीधा है, और क्या हो रहा है, काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है भाई, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिख रहा है आपको। अब हम लोग दूसरा प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरे तरह का प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं। अब कंडीशन हम लोग दूसरा लेते हैं, कंडीशन क्या लेते हैं, दूसरा लेते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। दूसरा कंडीशन आप क्या ले सकते हैं, दूसरा कंडीशन वहां पर मान लीजिए, पहले यहां पर आयो हो गया आपका F1 और इधर क्या हो गया 2F2 हो गया, क्या हो गया 2F1 सॉरी 2F1 हो गया, ये क्या हो गया आपका 2F1 हो गया। इधर आपका क्या कटेगा, बराबर डिस्टेंस है ना, थोड़ा सा बराबर डिस्टेंस लेते हैं तो थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, यहां पर हो गया आपका F2 और इधर क्या हो गया 2F2। ओके, अब मेरा कंडीशन है अगर वस्तु फोकस और लेंस के बीच, लेंस के बीच में हो गया, वस्तु कहां फोकस पर हो, तो वस्तु फोकस पर हो, यहां पर लिखाता हुआ आ रहा होगा, वस्तु अगर फोकस पर हो तो, वस्तु कहां हो अगर फोकस पर हो तो, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, देख लीजिएगा।
मान लीजिए वस्तु अगर फोकस पर है तो वस्तु फोकस पर डाल दीजिए। अब वस्तु फोकस पर है तो हम क्या जानते हैं, लेंस से अपवर्तन की घटना होगी, लेंस से अपवर्तन की घटना होगी, बिल्कुल होगी। तो लेंस से अपवर्तन की घटना होगी तो कहां से गुजरेगा, फोकस टू से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस टू से गुजर जाएगा, बिल्कुल फोकस टू से ये गुजर जाएगा। ठीक है, हम क्या जानते हैं, जो किसी भी वस्तु से अनंत प्रकार की प्रकाश निकल सकती है, अनंत प्रकाश निकलती है तो हम क्या मानते हैं, एक प्रकाश की किरण यहां से गुजरेगी प्रकाश केंद्र से। प्रकाश केंद्र से गुजरने के बाद आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, यहां पर क्या दिखी थी, आगे पढ़ने के बाद ये फैल रहा है, लेकिन यहां क्या दिख रहा है, एक पैरेलल में जा रहा है। क्या जा रहा है, एक पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है। तो समांतर लाइन होने के कारण साइंटिस्टों के द्वारा कहा गया है कि जो अगर किसी भी दो लाइन अगर समांतर है तो कहीं ना कहीं पर जाके एक जगह मिल ही जाएगा। ये कहा गया प्रतिबिंब के लिए उत्तल लेंस में, ये कहीं ना कहीं जाके ये मिल जाएगा और वहां पर क्या करेगा, ये अनंत पर जाके मिल जाएगा और वहां पर क्या करेगा, प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अगर वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सबसे पहली बात अनंत पर बनेगा। ओके, अनंत पर बनेगा, कैसा बनेगा, इस पर बन रहा है, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि अनंत रहा है, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा कंडीशन भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा कंडीशन पर। चलिए पहले मैं क्या कर लेता हूं, एक लेंस बना लेता हूं, लेंस बना लेता हूं, ये हमारा हो गया दूसरा कंडीशन। अब हम लोग चल रहे हैं तीसरा कंडीशन की तरफ। ठीक है, एक लेंस बना लिया मैंने, एक लेंस बनाने के बाद पता ही आपको क्या क्या करना है, थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। लाइन सबसे आप लोग जो है ना सही से करिएगा तो थोड़ा बेटर रहेगा। ओके, लाइन जो होता है ना और कटिंग जो होता है दोनों बराबर ये आप लीजिएगा तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा। चलिए यहां पर क्या हो गया, F2 और यहां पर क्या हो गया 2F2, यहां क्या हो जाएगा आपका F1 और यहां पर क्या होगा 2F2 ठीक है। अब कंडीशन हम लोग क्या रखते हैं, कंडीशन एक रखते थे हम लोग क्या, जो अगर वस्तु क्या हो यहां पर फोकस हो, तो अब हमारा कंडीशन क्या होगा, अगर वस्तु फोकस और फोकस वन और फोकस टू वन पर हो, अगर वस्तु यहां पर इसको आप लोग केंद्र भी कह सकते हैं या 2F1 भी कह सकते हैं। अगर वस्तु कहां हो, फोकस टू वन और फोकस वन के बीच में, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर वस्तु इसके बीच में हो यहां पर हम लोग कवर कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं। चलिए यहां पर आया, हम जानते हैं लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहले प्रतिबिंब छोड़िए ना, यहां पर लेंस से अपवर्तन के बाद गुजरेगा कहां से, पड़ता तो गुजरेगा कहां से, फोकस टू से, फोकस टू से ये गुजर गया, फोकस टू से ये गुजर गया, कोई दिक्कत नहीं, फोकस टू से गुजर गया। अब हम क्या जानते हैं दूसरा प्रकाश कहां से गुजरेगा, लेंस ये प्रकाश केंद्र से ना, दूसरा प्रकाश कहां से गुजरेगा, प्रकाश केंद्र से, यहां प्रकाश केंद्र से। अब ये प्रकाश केंद्र से गुजरेगा, ये प्रकाश केंद्र से गुजरेगा तो ये कहीं ना कहीं कटेगा, ये कहीं ना कहीं कटेगा। अब ये देखिए कहां कट रहा है, ये कहां कट रहा है, यहां से डॉट डॉट पर क्या दिखा दीजिए कहां कट रहा है, ये जो कट रहा है फोकस टू, टू फोकस टू पर, टू फोकस टू पर और अनंत के बीच में, इसको आप केंद्र भी मान सकते हैं, इसको आप केंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप केंद्र भी कह सकते हैं। ओके, आप ऐसा भी कह सकते हैं जो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु के क्या थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा वस्तु से क्या बन रहा है, ये बड़ा बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा कंडीशन की तरफ चलते हैं, चौथा कंडीशन की तरफ चलते हैं। ये हो गया मेरा लेंस, आज मैं आप लोगों को चार कंडीशन बता देता हूँ, चार कंडीशन के बाद जो है अब बाकी कंडीशन को आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार बनाने आ गया तो बाकी कंडीशन आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सही से कर लेता हूँ, ये हमारा हो गया लेंस बना लिया, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1 और ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका क्या 2F2। ओके, हम कहां रख रहे हैं वस्तु को, हम अब रखेंगे वस्तु अगर फोकस 2F1 पर हो, या आप ये भी कह सकते हैं केंद्र पर हो, 2F1 पर हो तो यहां क्या होगा, लेंस से अपवर्तन होगा ना, लेंस से अपवर्तन होगा ना, ये आया लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस टू से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा, फोकस टू से गुजरेगा, ये आप लोग जानते ही हैं। और दूसरा प्रकाश कहां से गुजरेगा, प्रकाश केंद्र से गुजरेगा, अब प्रकाश केंद्र से गुजरिएगा तो ये कहां बन रहा है, ये कहां बन रहा है, और ये लग रहा है मिस हो गया, मिस हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा होने के कारण ऐसा लग रहा है आपको। देखिए अगर इस तरह का जो होगा ना, ये जो ऐसे जो जा रहा है ये यहां पर कट होना चाहिए, यहां पर कट होना चाहिए, यहां पर कट होना चाहिए। देखिए यहां F2 पर बनेगा प्रतिबिंब, मैं बता देता हूं ये F2 पर बनेगा प्रतिबिंब, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा होने के कारण ये ऐसा हो लग रहा है, लेकिन ये F2 पर प्रतिबिंब बनेगा। फिर देखिए कैसा बनेगा, अगर अगर मतलब यहां पर देखिएगा वस्तु अगर 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। देखिए हमने चार कंडीशन बताए हूं, आपको पांचवा और छठा कंडीशन खुद भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, बहुत मजा आने वाला वीडियो। वीडियो अगर पूरा देख लेंगे तो बाकी कंडीशन में आपको होमवर्क की तरह छोड़ देता हूं, अगर आपको नहीं होता है तो बाकी कंडीशन में आपको फिर से वीडियो बना के दे दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा होगा, अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, जुड़े रहिए दीपक सर क्लासेस में, और अगर अच्छा वीडियो लगे तो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।